बरेली के भपोरा थाना क्षेत्र में शहदों और ग्रामीणों के तानों से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती के साथ गांव के दो युवकों ने छेड़छाड़ की थी और दुष्कर्म करने की कोशिश में युवती को पीटा गया था। युवती किसी तरह से घटनास्थल से भागने में सफल हो गई थी और अपने पिता को मामले की जानकारी दी थी। युवती ने वुमेन हेल्पलाइन को कॉल की, इसके बाद कहीं जाकर मामला दर्ज हो सका। घटना के बाद से ही शौदे और गांव के लोग युवती को लगातार ताने देने लगे थे, जिससे युवती ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने चार आरोपियों को रात भर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ लोचन जी, आपके यहाँ परिवार में क्यों लड़की ने आत्महत्या कर ली? हमारी लड़की घास को गई थी तो दो लड़कों ने मारा पीटा, छेड़छाड़ करी ज्यादा, धीर सिंह ने, दुर्वेश ने, हाँ धीर सिंह ने, तो हमारी लड़की फिर उनसे छुट के घर आ गई। तो घर आ गई तो हमने लड़की ने कही पापा हमारे संग में जिन दो लड़कों ने हमारे साथ में मारा है गलत तो करने के हम हत्ते नहीं आए। हमने ठीक है बेटा बच जाएँ, तो हमने चलो घर के चलते हैं, चौकी चल रहे हैं। चौकी गए तो इन चारों साहब मिले नहीं, कहीं भमोरा आए पहुंच गए थे। हम भमोरा पहुंचे साकिल से अपनी लड़की को लेके, वहां हमने कही हमने सर हमारे लड़की के साथ में ऐसा ऐसा घटना हुई कही है, हमारी लड़की के हमारा रिपोर्ट बना लो लिख लो, जिन दो लड़कों ने ऐसा हादसा करा है, दुर्वेश ने, धीर सिंह ने। सभी बोले बाहर से आप यार लाओ लिखवाए के, तब हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। रात के 10 बजे का समय हो और बाहर गए तो दुकानें बंद ही थी, कोई लिखने वाला मिलो नहीं। हम उनके पास पहुंचे, हमने सर लिखने वाला कोई मिलो ना, फिर यार आप लिख लो। तो चौकी इंचार्ज ने मना कर दी साहब कि हम नहीं लिखेंगे, जाओ यहाँ से, हम नहीं लिखेंगे। फिर हम अपने घर चले आए। फिर दूसरे दिन को अशोक रमेश ने ये बोले हैं कि करवा लो, क्या कर लोगे, कहीं हमारी लड़की ने इनकी आवाज़ सुन के कल आत्महत्या कर लेंगे। हाँ क्या मोहल्ले के लोग भी लड़की को ताने दे रहे थे, क्या बात है? मोहल्ले के जो अशोक रमेश जो ताने मार रहे थे, तुम क्या कर लोगे लड़कों का, बिगाड़ क्या बिगाड़ लोगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कहीं भागते रहो, रिपोर्ट तुम्हारी कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। हाँ पहले भी कभी छेड़छाड़ हुई थी आपकी बेटी के साथ? ना मेरे साथ पहले नहीं हुई, और पहले भाई पहले और लड़कों ने करते ही बाकी सब बात। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मेरठ प्रभारी बनने के बाद आज उनका पहला दौरा है। मेरठ में सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही तीमारदारों से भी अस्पताल में इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। श्रीकांत शर्मा ने अस्पताल में सबसे पहले प्राथमिकता स्वच्छ जल को दी। उन्होंने पीने के पानी के लिए लगे आरओ का भी जायजा लिया। आपका सवाल जो एकदम वाजिब है, निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी प्रदेश में रही है और बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई लेकिन उन बिल्डिंगों की आगे की कार्य योजना किसी ने बनाई नहीं। तो आईसीयू की बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन आईसीयू के लिए डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है, उस तरह की व्यवस्था पूर्व में नहीं रही, लेकिन हम इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे आने वाले समय में। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर रही है, पब्लिक भी इस चीज को लेकर खुश है, लेकिन आपने देखा कि मेरठ में तेल का खेल चल रहा है और सर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, लोगों के हजारों वाहन यहाँ पर खराब हो चुके हैं, मिलावटी तेल और नकली तेल का कारोबार चल रहा है। IOCL जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने अब तक एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है जहाँ गरीबों को सरकार की तरफ से केरोसिन दिया जाता था, 71,888 लीटर केरोसिन वहाँ दबा हुआ, अब तक वो भी नहीं निकाला गया। तो क्या सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, तो क्या ऐसे लोगों को बचाने में लोग? सरकार ने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है, आप लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प हमारी सरकार का है और इस पर आप आने वाले समय में देखेंगे, आपको परिणाम सुखद दिखाई देंगे। बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। मैंने कहा इसको गंभीरता से लिया है, अब आने वाले समय में आप देखेंगे जिम्मेदारी भी तय होगी और जो लोग इसके पीछे हैं, जो एक ग्रोह इसके पीछे जो काम कर रहा है, वो लोग भी आपके सामने आएंगे। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एक गेस्ट हाउस में सोमवार दोपहर कार सवार आधा दर्जन युवकों ने अपने आप को HTO के अधिकारी और पत्रकार बताते हुए गेस्ट हाउस का रजिस्टर चेक किया और रूम चेक करने के निर्देश दिए। जब गेस्ट हाउस संचालक ने अधिकारी से उनका ID कार्ड मांगा तो वह बंगले झांकने लगे। गेस्ट हाउस संचालक ने जब शक होने पर पुलिस बुलाने की बात कही तो सभी के सभी पत्रकार व HTO अधिकारी चुपचाप गेस्ट हाउस से भाग निकले।
वहीं गेस्ट हाउस संचालक ने बताया कि कई होटल व गेस्ट हाउस को ब्लैकमेल कर ये फर्जी पत्रकार अधिकारी गेस्ट हाउस होटल संचालकों से अवैध उगाही कर रहे हैं। ये सारा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फर्जी पत्रकार अपनी गाड़ी तक छोड़कर भाग निकले। वही नकली पत्रकारों की गाड़ी को होटल मालिकों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार है। ये जो अभी आप थाने गए थे, किस मामले को लेकर गए थे? यहाँ पे पांच लोग आए थे, इको में सवार थे पांच लोग। एक ने माइक ले रखा था और अपने आप को बता रहे थे कि हम ASTU से हैं। ASTU के कोई अधिकारी बता रहे थे अपने आप को और बोल रहे थे हमें रूम चेक करना है, हमें यहाँ के बारे में कुछ गलत सूचना मिली है। हमने उनसे ID कार्ड मांगा, ID कार्ड मतलब अपना ID कार्ड दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। तो यहाँ से भागने लगे, भागते भागते भीड़ की सहायता से हमने दो लोग पकड़ लिए, तीन लोग फरार हो गए। वो बैग भी ले रहे थे, मुझे शक था कि बैग में वो हथियार भी ले रहे थे। यहाँ पे पहले जैसे हमारे मालिक का मर्डर भी हो चुका है, मुझे शक है कि ऐसी है कोई ना कोई घटना घटित ना कर देते हो, मुझे शक है कि बैग में कोई ना कोई हथियार थे। बरेली थाना बरादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर की एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतका के भाई महेश चंद्र ने उसके ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महेश ने बताया कि वह उसकी बहन को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते रहते थे। जी, क्या नाम है आपका? क्या है मामला ये बताइए। मामला क्या हुआ है, ये किस तरीके से फांसी लगाई है? उनकी छोटी वाली बहन ने दिया, तो कह रही कि 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाओ, मेरे घर पे सारे लोग जा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर पे सारे लोग गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, प्राइवेट होती है तो सब जाते हैं। किस टाइम फांसी लगाई है? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आज ये जल्दी जाने वाले थे, तो मैं अपने घर में खाना बना रही थी, तो मैंने आपके लिए मुझे सच में नहीं पता, मैं घर में खाना बना रही थी। तो आपको ये आपको कितने बजे पता लगा कि ऐसा कोई आपस में इन लोगों की लड़ाई वगैरह होती थी दोनों? कोई लड़ाई नहीं, हम लोगों की लड़ाई नहीं होती थी। राजी भैया, क्या नाम है आपका? संजय। क्या है मामला बताएंगे? ये जैसा कि बताया जा रहा है जी, जैसा कि बताया जा रहा है सर, 2-3 दिन पहले इनके भैया एक्सपायर हो गए थे जी। तो उसके नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में मुझे बताया, इनके बहन का फोन आया मेरे पास, इनने बताया, मैंने इनकी बात कराई। मैं जॉब करता हूँ नीलकमल में, मेरा मान पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो मैं 9 बजे का टाइम तो देने का, 1 घंटे में आ जाओ आप फटाफट, और क्या कहते हैं वरना सब ले जा रहे हैं हम लोग। तो इंडिजिनियस ने मना कर दिया, बोले तुम्हारा मान भी पड़ा है, मैं किसके साथ जाऊँ? तो भैया ने अब कल रात को बताना चाहिए था, जिस समय एक बार बोले तो उन्होंने उस समय सर बताया नहीं था, और फिर नेक्स्ट उसी जिस दिन को ले जाए उसी के शाम को या दोपहर में, मुझे नहीं पता है कि कब लड़का हुआ, उसी दिन लड़का हुआ है। तो फिर इनने सबको बताया, उसे बताया नहीं बिल्कुल भी, तो वो बहुत रो रही थी मुझसे, बोले बताओ भैया ने बिल्कुल मुझे ऐसा छेक दिया, वैसा छेक दिया, ऐसे नहीं करते थे पहले। जैसे ही बताया आप लोगों की लड़ाई हुआ करती थी? नहीं, लड़ाई नहीं हुआ करती थी सर, फिर लड़ाई नहीं सर, मैं आज भी देखिए साबुन रखूँ फ्रिज पर, कल ही क्रीम साबुन लेकर आया हूँ सर, लड़ाई कहाँ से। देवरिया प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान आज पहली बार देवरिया पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं राजकीय बाल गृह में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, जिसमें बच्चों ने कई गीत प्रस्तुत किए। देवरिया का सब प्रभारी बनाया गया, क्या प्राथमिकता रहेगी? कोई हल्ला नहीं, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सभी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, प्रदेश की केंद्र की जो लोग कल्याणकारी जनहित की योजनाएं हैं वो नीचे तक जाएँ, पारदर्शी तरीके से जाएँ, ठीक प्रकार से काम हो। इटावा मैनपुरी मार्ग पर स्थित भाजपा नेता भुवनेश यादव के आवास पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 59वां जन्मदिवस भाजपाइयों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा नेता रमाकांत दुबे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस अवसर पर नगर के अनेक भाजपा नेतागण उपस्थित रहे। आज जो ये जन्मदिन मनाया गया है, क्या रहा है पूरा कार्यक्रम? आज हमारे महापुरुष का जन्म है, हमारे देश में जो महापुरुष पैदा हुआ है, हम लोग धन्य है ऐसे महापुरुष को जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया। पूरे पूरा विश्व इनके संरक्षण में काम कर रहा है, इनके संरक्षण में आने के बाद लोग अपने को धन्य मानते हैं। पूरे विश्व का संचालन माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, हर हर जगह उन्नति उन्नत है हमारी हमारे देश की और पूरे विश्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेज बारिश और खराब मौसम के बीच बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व खुद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे जवानों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। अस्थाई हेलीपैड से मंच तक पानी व कीचड़ जमा हो चुका था। उसके बीच ईंट बिछाकर बनाए गए रास्ते से मुख्यमंत्री कार्यस्थल तक पहुंचे। एनएसजी के जवान नंगे पैर उनके आगे पीछे जमे थे। सांसद नीरज शेखर भी बिना चप्पल जूता के ही मुख्यमंत्री के साथ साथ मंच तक आए। अपने आप को जोड़ने के लिए मैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आपके बीच में हम आए हैं। हमारे यहाँ मंच पर मेरे साथ में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी हैं, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी हैं, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी, श्री धनंजय कमोजिया जी, पूर्व मंत्री श्री राजधारी सिंह जी, नागेंद्र पांडे जी, विनोद दुबे जी, श्रीमती केतकी सिंह जी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे जब कल शाम को जानकारी मिली कि बलिया में गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मॉडल तहसील में लेखपाल संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरकार को झुका देंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज एक दिवसीय धरना है, लेकिन प्रदेश के नेतृत्व में जैसा आदेश आएगा वैसा हम लोग पुनः धरने पर बैठेंगे और सरकार को झुका देंगे। पर्चे बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार सिंह, अध्यक्ष सदर तहसील बलिया जी। आज किस प्रकार के आप मॉडल तहसील पर धरना प्रदर्शन, क्या मामला है? हम अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए किया जा रहा है। आज के धरना प्रदर्शन में सांकेतिक रूप से हम इस प्रदेश सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं अगर उनको नहीं मांगी गई तो हमारे प्रदेश संगठन ने 29 सितंबर को हमारे सत्ताईस सितंबर को हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमें निर्णय लेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। जी क्यों, क्या मांगे आपकी हैं? हमारी 8 मांगे हैं जिसमें आपको अवगत करा दूं। पहली है ACP विसंगति, दूसरी है वेतन उच्चीकरण, तीसरा है प्रोन्नत काडर रिव्यू, चौथा है पेंशन विसंगति, पाँचवा है भत्ते विशेष भत्ता व स्टेशनरी भत्ता, छठा है राजस्व लेखपाल का पदनाम परिवर्तन। मैं राम पूजन राम, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी जो जी। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन, क्या मांग? धरना प्रदर्शन ये है कि हमारी सरकार से 8 सूत्री मांग है और मैं इससे 2 साल से मांग कर रहा हूँ जी, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। बार बार ये कह रही है कि आप हमारे सबसे कर्मठ योग्य कर्मचारी हैं, हमारे ऋण है सरकार हमको अपनी ऋण मांगती है लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। एक ही पत्तल पर 2 तरह का भोजन चलाया जाए तो उसको कैसा लगेगा? हमारी आधे लेखपाल भाइयों को 2800 ग्रेड पे दे रही है और कुछ को 2400 दे रही है। जो पुराने हैं उनको 2800, इनको 2400,
इससे हमारी विसंगतियाँ दूर करने की बात कर रही है, सरकार कह रही है कि हम दूर करेंगे, लेकिन 3 साल से हम लड़ते लड़ते थक गए, वो हमारी सरकार मान नहीं रही है। जी अगर आज धरना आपका है, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे आप? मैं 27 तारीख को बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, 27 के बाद निर्णय लेंगे कि लगातार हम धरना इसको चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया व मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरण भी किया। मौर्य से मीडिया द्वारा पूछा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बाहर से दवाई लिखते हैं और नर्सों द्वारा मरीजों से रुपए लिए जाते हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हालचाल लेकर के ये मैं जानना चाहती कि अस्पताल में कैसी व्यवस्थाएं हैं। मकसद ये देखा गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा बाहर से दवाई लिखी जाती है, नर्सों पे भी जो है आरोप लगता है कि पैसे लेती है, तो कोई पे क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई होता है? नहीं, हमने तो अभी जितने भी मरीजों से बात किया किसी भी मरीज ने हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं दी, और यदि ऐसा कोई मरीज बताता है तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हमने जितने भी मरीज से पूछा है किसी भी व्यक्ति ने यहाँ अस्पताल की कोई भी शिकायत नहीं की। एक मैम राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का केस है, वहाँ पर जो है जब राज 24 की टीम ने जब जांच किया जाते चेक किया तो वहाँ पर बाहर से दवाई लिखी जा रही थी। जब इस बारे में मैडम से बात हुई, डॉक्टर मैडम है, उनसे पूछा गया तो वो उनका कहना यह है कि मोदी जी जब विदेश में घूमेंगे तो दवाई क्यों देंगे, ये चीज पेपर में निकली, हाईलाइट भी हुई, लेकिन जिलाधिकारी के महोदय सीएमओ का उसमें महोदय के उसमें जो प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा बोल रही है उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों मैम? ये हमारे संज्ञान में नहीं था, आपने अभी संज्ञान में दिया, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करके इसको दिखा दूंगी।